हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेम सर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कॉस्टिंग का या कहें कि कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, और उस कॉस्ट अकाउंटिंग में अब तक दो पार्ट मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, मीन्स कॉस्ट किसे कहते हैं, जिसमें कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट के इसेंशियल एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया। और सेकेंड पार्ट में उन एसेंशियल एलिमेंट्स को एक प्रॉपर फॉर्मेट में पुट करके कैसे हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, वो सेकेंड पार्ट में आपने देखा। अगर आप इन दोनों वीडियोस को अगर अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे आई टैब पर क्लिक करें, आपको ये दोनों पार्ट मिल जाएंगे। उन्हें देखने के बाद और उस फॉर्मेट को डिटेल में सीखने के बाद आज हम सीखेंगे कि कैसे कॉस्ट शीट बनाने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पूरी तरह से इसके कॉन्सेप्ट को हम समझे, मीन्स क्या क्या प्रैक्टिकल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें कॉस्ट शीट में हम कहाँ कहाँ पर और किस तरीके से पुट करते हैं। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर मैं आपको इसकी पूरी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जरूरी है इसे अच्छे से समझने के लिए कि आप लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखें, बीच में कहीं स्किप ना करें, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर अभी लिखता हूँ और उसके साथ ही उसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन जो मैंने अभी एक बुक से पिक किया है, और उसमें कोशिश किया है कि ज्यादातर पॉइंट्स हमारे जो कॉस्ट शीट में आ सकते हैं वो कवर हो जाएं। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको क्वेश्चन पूरा समझा देता हूं, फिर इसका सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन है कि प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें कॉस्ट शीट बनाना है। कॉस्ट शीट का दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक में वैसे स्टॉक की तीन कैटेगरीज मैंने बताया था। पहली कैटेगरी स्टॉक रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में, और तीसरा फिनिश गुड्स के फॉर्म में। इस क्वेश्चन में आपको दो तरह का स्टॉक दिया है, एक तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स जो कि 5,000-4,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक भी इन्हीं दोनों मटेरियल का दिया है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स का 5,000। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर हमने जो मटेरियल परचेज किया है वो है 50,000, और वेजेस पेड टू द लेबरर्स, हमने ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्ट वेजेस कितना पे किया अपने लेबर को, वो 20,000 है। चार्जेबल एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं, ये 2,000 है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस जो कि हमें फैक्ट्री में पे करना पड़ता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, तो ये रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस 5,000 है। पावर मशीनों को चलाने के लिए, हैवी मशीनों को चलाने के लिए हैवी इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होती है उसे हम पावर कहते हैं, पावर एंड फ्यूल। और फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग जो कि फैक्ट्री के एक्सपेंस है, 2,000 है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, मशीनों का और फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट ये हमारा फैक्ट्री इंश्योरेंस भी है। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, कुछ टूल्स और टूल से रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, नए नए प्रोडक्शन डिजाइन के लिए हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो ये भी हमारा फैक्ट्री एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल, हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उससे जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ मटेरियल हमारा वेस्ट निकल जाता है, और क्योंकि मटेरियल परचेज करने में तो हमारी कॉस्ट आ ही चुकी है, और अगर ये वेस्टेज हम बेच दें तो हमारी कॉस्ट थोड़ा बहुत कम हो जाएगी, इसलिए सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल, हमने अपना वेस्ट मटेरियल बेच दिया, ठीक है। फिर ऑफिस मैनेजमेंट सैलरी 4,000 है, एंड ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000 है, दोनों में ऑफिस लिखा हुआ है, मीन्स ये ऑफिस ओवरहेड्स का पार्ट है। सैलरी ऑफ सेल्समैन, हमें सेल्स प्रमोट करने के लिए सेल्समैन रखने पड़ते हैं जो अलग अलग एरियाज में, अलग अलग ऑफिस में, ऑफिसेज में जाके, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेज में जाके हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उन सेल्समैन को हमने सैलरी दिया 2,000, ये सेलिंग एक्सपेंस है। और साथ ही साथ है कमीशन ऑफ ट्रेवलिंग एजेंट, हमारे ट्रेवलिंग एजेंट जो अदर स्टेट्स में जाकर, अदर सिटीज में जाकर हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उनको हमने कमीशन 1,000 दिया है, और ड्यूरिंग द ईयर जो टोटल सेल्स है वो ₹1,00,000 है, ये टोटल सेल्स है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, रॉ इन्फॉर्मेशन है, इसे प्रॉपर फॉर्मेट में हमें पुट करना है, उस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब इसमें लिखा है कि ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में
कॉस्ट सीट बनाने के लिए ना बोला जाए, और क्या बोला जाए कि ये चीजें कैलकुलेट करिए, मीन्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। अगर ये चार चीजें नहीं भी बोली गई तो ये कॉस्ट सीट बनाते समय ये चारों ही चीजें कैलकुलेट हो जाती हैं। और अगर कॉस्ट सीट बनाने के लिए नहीं बोला गया, ठीक है, और ये चीजें फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो उस केस में भी हमें कॉस्ट सीट तो बनानी पड़ेगी। इसका मतलब कि कॉस्ट सीट इज द ओनली सॉल्यूशन टू कैलकुलेट ऑल दीज आइटम्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और अच्छे से समझने के लिए आप बिल्कुल भी बीच में इसे स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। एक क्वेश्चन के करने से ही आपको डिटेल में कॉस्ट सीट बनाने का फॉर्मेट अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद आप चार छह क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लेंगे, आपके माइंड में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो लास्ट तक देखना। इसे स्टार्ट करते हैं कॉस्ट सीट। कॉस्ट सीट, इसका दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया, इसे और हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। मैंने साथ साथ क्वेश्चन इधर लेकर और इधर सॉल्यूशन इसीलिए लिया है ताकि आपको इमीडिएटली कौन से पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट कैसा होता है आपको सामने सामने दिखाई दे। ठीक है, यहां पर हम दो कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, पहले कॉलम को नाम देंगे हम डिटेल्स और सेकंड कॉलम हमारा अमाउंट का है, ये हमारा अमाउंट का है। इधर वाला कॉलम ड्रॉ नहीं करता, बल्कि अंडरस्टूड है कि इधर भी हमारा एक कॉलम है, क्योंकि इसे ड्रॉ करने से ये लाइन हमारी मिट जाती है। ठीक है, तो दो कॉलम हमारे, पहला कॉलम हमारा डिटेल्स और इधर हमारा अमाउंट। ठीक है, ये भी एक कॉलम है। अब समझे, यहां पर हमें लिखना है पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब स्टार्टिंग कहां से होगी, सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। तो क्योंकि मटेरियल की तीन स्टेज, मीन्स हमने कॉस्ट के तीन इंग्रेडिएंट पढ़े थे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, तो उसमें सबसे पहले हमें डायरेक्ट का पार्ट लेना है। मीन्स यहां लिखोगे सबसे पहले रॉ मटेरियल, या लिख सकते हो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मीन्स रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को ही डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कहते हैं। इसमें स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो फॉरवर्ड में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने जितना मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है पहले, तो आप वो लीजिए, तो रॉ मटेरियल परचेस्ड तो रॉ मटेरियल परचेज हमारा कितना है 50,000, आप यहां दिखाएं, ये तो वो मटेरियल है जो ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किया, बट हमारे पास कुछ ओपनिंग मटेरियल 5,000 रखा हुआ है, वो भी हमें करंट ईयर में यूज करना है, तो आप उसे ऐड कर लें, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसे क्यों ऐड किया, क्योंकि ये पिछले साल का बचा हुआ
मटेरियल है जो करंट ईयर में कंज्यूम किया जाएगा। तो आप इसे ऐड कर लें, ऐड करके हमारे पास टोटल 50,000 रुपीज का मटेरियल अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए। बट इसमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बच गया जो करंट ईयर में हमने कंज्यूम नहीं किया, तो आप उसे लेस कर दें। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4,000 है जो इस साल कंज्यूम नहीं हुआ, वो कंजम्पशन का पार्ट नहीं है, आप उसे लेस कर दें। तो लेस किया तो कितना आया 51,000। आप यहां ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं लेस करने के लिए। और साथ ही साथ अगर हमने हमारा कुछ वेस्ट मटेरियल बिक गया है, इससे भी हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम हो जाएगा, तो इस सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी यहां पर लेस कर दें। लेस सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल जो कि है 200। अब इसे लेस करके जो आया 50,800, ये 50,800 हमारा पहला आंसर है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो कि हेडिंग हमने यहां पर लिखा है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गया 50,800। अब ये तो बात हुई केवल अभी डायरेक्ट मटेरियल की, अब इसके बाद डायरेक्ट लेबर हमें चाहिए। तो डायरेक्ट लेबर के लिए आपको वेजेस पेड टू लेबरर्स, इसे डायरेक्ट लेबर कहते हैं। तो वेजेस पेड टू लेबरर्स, लेबरर्स को वेजेस हमने कितना पे किया है 20,000, इसे हम डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा चार्जेबल एक्सपेंस जिसे डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं, वो भी आप यहां दिखा दें, चार्जेबल एक्सपेंस जिसे डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं, याद रखना है। तो ये कितने हैं 2,000। अब आप इन तीनों का मीन्स डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों के डायरेक्ट का सम करते हैं तो क्या आता है, आता है प्राइम कॉस्ट, कितना हो गया 72,800। तो इसे नाम क्या देंगे, प्राइम कॉस्ट। जब भी कोई आंसर निकलता है कॉस्टिंग में उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं कि हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद आगे चलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरफ। अगर प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स को और क्या बोलते हैं, और वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड। तो इसमें फैक्ट्री के सारे खर्चे लेने हैं हमें, फैक्ट्री के हमारे पास जितने भी खर्चे यहां से रेंट से स्टार्ट है और एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस तक, ये सारे खर्चे हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट्री से हैं। तो यहां पर ये सब लिख लीजिए, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 5,000 है, डिटेल में लिख लीजिए। इसके बाद पावर, ये भी फैक्ट्री में कंज्यूम होता है प्रोडक्शन के लिए, पावर कंज्यूम हुआ है 2,400। पावर कंज्यूम के बाद फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग 2,000 है, ये भी फैक्ट्री का एक्सपेंस है। फिर है फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस है 1,000। और लास्ट है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंस, ये भी फैक्ट्री में ही होता है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंस
जो कि कितना है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंस 500। ये पांच के पांचों एक्सपेंस फैक्ट्री में होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, इन सब का सम कर लेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा। कितना आया, 4 और 5 9, 5 2 5 और 5 10, 10,900। अब इन्हें ऐड कर देते हैं फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट में, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट आता है, तो 9 और 8 17 और 2 और 1 3 83,700। अगर यहां पर हमें वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया होता तो हम इसे बोलते ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, बट क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, यहां पर वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट बोल सकते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, वर्क कॉस्ट। तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब हमें इसमें कौन से एक्सपेंस ऐड करने हैं, सेकंड लेवल, फैक्ट्री के बाद सेकंड लेवल क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये सब कुछ मैंने आपको पिछली दो क्लासेस में बताया है, दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट में अब हमें ऑफिस का पार्ट लेना है, तो एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में हमारे पास दो चीजें हैं, ऑफिस मैनेजमेंट सैलरी, स्पेस कम है, नहीं तो जैसे इसे हमने लिखा ऐसे ही उन दोनों को भी लिखेंगे, बट मैं यहां पर साथ साथ कर देता हूं, कोशिश करता हूं छोटा लिखने की। तो ऑफिस मैनेजमेंट सैलरी और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये दोनों ऑफिस के एक्सपेंस हैं, मैं एक साथ लिख देता हूं क्योंकि जगह कम है। तो इन दोनों का सम, क्योंकि मैंने दोनों चीजें लिखी हैं, स्टेशनरी वैसे तो हमें अलग लिखना था, यहां पर लिखना चाहिए ऑफिस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दोनों का सम करके बाहर दिखाते, बट क्योंकि जगह कम है इसलिए मैंने इन दोनों का सम कर लिया 4,200। ठीक है, तो इन दोनों का सम करके मैंने दिखाया, ये आ गया आपका 7 और 2 9 और 7 और 8, इसे बोलेंगे हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच डिफरेंस किस बात का होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि करंट ईयर में जो टोटल हमने प्रोडक्शन किया है ये टोटल कॉस्ट है, बट ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, मीन्स ये टोटल प्रोडक्शन हमने सेल नहीं किया। अगर हमने जितनी यूनिट करंट ईयर में प्रोड्यूस किया है, अगर सारी यूनिट्स हमने बेच दिया, कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं बचा, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों सेम हो जाएंगे, बट क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी है इसलिए हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की यहां पर एडजस्टमेंट करना है। तो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 4,000, वो आप ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटा देंगे। क्यों हमने लेस किया, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल तो बेचा ही नहीं गया और हमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो इसलिए जो स्टॉक बेचा ही नहीं गया वो करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बन सकता है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स घटा देना है। मैं थोड़ा शॉर्ट में यहां पर लिख रहा हूं जगह कम होने की वजह से, तो
हमारे पास फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक 4000 था, प्लस में लिखा, और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 5000, जो हमें माइनस करना है उसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहां पर कितना आया, 86,900। अब ये जो 86,900 है ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचने के लिए हमें एडजस्टमेंट किसकी करनी पड़ती है, सेलिंग एक्सपेंस के। हमारे पास दो सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इन दोनों को अगर हम इसमें ऐड कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो वो बन जाएगी टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, यहां पर ऐड कर देते हैं, ऐड सेल्स एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये तो हमारी हेडिंग है, और इस हेडिंग में इन दोनों चीजों को हमें नीचे दिखाना है। जैसे हमने यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स की डिटेल लिखी, ऐसे इनकी भी दोनों की डिटेल यहां पर लिखना है, बट क्योंकि जगह बहुत कम है इसलिए इन्हें भी मैं सम करके दिखा देता हूं दोनों को, 2000 प्लस 1000 टोटल 3000। बट आपको क्या करना है, आपको अलग अलग दिखाना है यहां पे। अब हमने इसे भी सम कर दिया तो आ गया 89,900। ये आपकी क्या आई है, ये आई है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 80,900। अब इसके नीचे एक लाइन की हमें जगह छोड़ना है। एक मिनट में थोड़ा सा कैमरे को नीचे करता हूं। तो टोटल कॉस्ट हमें पता चल चुकी है 89,900। अब हमें क्या फाइंड करना, ओनली प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए हमें प्रॉफिट तो नहीं दिया बट सेल्स दे रखा है, तो हम थोड़ी सी यहां जगह छोड़कर लास्ट में यहां दिखा देंगे सेल्स, सेल्स सेल्स हमारी 1 लाख है, हम यहां नीचे 1 लाख दिखा देंगे कि 1 लाख हमारी सेल्स है। तो जो डिफरेंस आएगा ये लाइन के नीचे 1 लाख लिखेंगे, तो आप देखो टोटल कॉस्ट और सेल्स के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ना है, वो जगह बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहां पर हम लिखेंगे उसे क्या, प्रॉफिट, क्योंकि टोटल से टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी इतनी है 89,900। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है, माल बेचने की टोटल लागत, और जिसकी कॉस्ट 89,900 है उसे हमने 1 लाख में बेच दिया, तो 10,100 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ। वो 10,100 रुपीज यहां पर आएगा जगह न होने की वजह से। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि ये आपका क्या आया है, प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हमने कैसे निकाला है, बैलेंसिंग फिगर से। एक बार फिर से समझाता हूं, यहां तक तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लिया, टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट के बाद हमें क्वेश्चन में केवल सेल्स दे रखा है, टोटल कॉस्ट हमारी है जो हमने प्रोडक्शन में इनकर किया। हमारी टोटल कॉस्ट आई है प्रोडक्शन की कितनी, 89,900। अब 89,900 के प्रोडक्ट को हमने कितने में बेचा है, पूरे 1 लाख रुपीज में। तो इसका मतलब 89,900 और 1 लाख के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा प्रॉफिट है। तो आपके 1 लाख में से ये लेस कर दोगे 10,100 रुपीज आपका प्रॉफिट है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर कॉस्ट शीट बनाते हैं। देखो ये जो चार चीजें हमें फाइंड करनी थी, ये चार की चारों चीजें इसी कॉस्ट शीट का इंटीग्रल पार्ट है। मीन्स अगर ये ना भी लिखा होता कि ये चार चीजें फाइंड करो, तो भी हमें कॉस्ट शीट में ये चारों चीजें फाइंड करनी पड़ती। देखो कैसे, सबसे पहले हमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना ही होता है, जो कि हमने यहां पर निकाला, पहला आंसर। दूसरा हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका यहां पर आता है जब आप फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर देते हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, जो कि हमारा
कॉस्ट शीट का पार्ट है, तीसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच जो डिफरेंस होता है वो केवल ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का होता है। ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। और एट लास्ट प्रॉफिट जो होता है वो टोटल कॉस्ट और सेल्स प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट है। तो इस तरीके से आपको मैंने पूरा कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट समझाने की कोशिश किया है और अच्छा क्वेश्चन लिया था कि ज़्यादातर पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएं। अगर आपने इसे अच्छे से समझा और वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, तो आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपनी कमेंट शेयर करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। अगला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल का, जिसकी वीडियो आपको परसों मींस आज 13th है, 15th ऑफ मई को आपको मटेरियल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको इसकी प्रैक्टिस करें, इसके क्वेश्चंस अगर आपको नहीं मिल पाते तो भी आप कमेंट में बताएं, मैं आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है? तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो भी डाउट हो आप मुझे, मेरा नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? तब तक आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।